मोदी डेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हालिया जो दौरा किया है जुल्मे खलीलजाद ने इंडिया का, तो ये कहा जा रहा है और कि जनाब इंडिया को रोल देने की बात हो रही है अफगानिस्तान में। हालांकि इंडिया अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर चुका हुआ है कि जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, जो जीतेगा हम उससे मुज़ाकरात करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है। हमें क्या शौक है हम इंडिया को घसीट के इसमें लाना चाह रहे हैं जबकि इंडिया की पॉलिसी क्लियर है इसके बारे में। वैसे आ जाए तो चंगा नहीं आ जाए तो चंगा। रही साहब देखिए बात यह है जी कि अफगानिस्तान में अमन कभी भी नहीं हुआ ना ही हो सकता है, क्योंकि जब भी ये अफगान अमन मुजाकरात या इसका अमल शुरू होता है उसमें आप देख लीजिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पूरी तरह उसमें शामिल नहीं किए जाते, और जिसके बाद ये होता है कि जी मैं नहीं खेलता, मैं नहीं मानता। भारत का जो मसला है वो देखें, पाकिस्तान इसलिए रोकना चाहता है उसकी एंट्री कि पाकिस्तान उसके साथ सीधा सीधा जो है मशरकी बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो हमेशा हमें एंगेज रखता है वहाँ पर, वो कभी LOC पे, कभी वो किसी ना किसी बॉर्डर पर, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। अब आज़ाद कश्मीर में आप देख लें जो कुछ वो करता है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर से हमारे सामने है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो कोई ना कोई पंगा लिए रखता है। हम उसको इसलिए, पाकिस्तान इसलिए रोकना चाहता है जी कि अफगानिस्तान में अगर वो आएगा तो वहाँ से जो दहशतगर्दी है, चूँकि दहशतगर्द तो भारत है, आलमी दहशतगर्द के बाद वो उसकी करता है, वो उसको सपोर्ट भी देता है, पैसे भी देता है, वहाँ से वो असला भी खरीद के उनको हवाले करता है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको वहाँ पे उसके स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं, पहले ही मौजूद हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है सिर्फ थोड़ी सी, वो जगा लेगा, फिर पाकिस्तान क्या करेगा। हमने बड़ी तवील लड़ाई लड़ी है, हमने 70-80 हज़ार जो है नजराने पेश किए हैं जानों के, हमने शहादतें अपना ली हैं, हमने बहुत सारा लहू दिया है इस काम के लिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो, लेकिन हमें हर सूरत जो है भारत के जो एंट्री है अफगानिस्तान में उसको रोकना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि चूँकि जो वहाँ पर बरसरे इकतदार लोग हैं या जो करते धरता है उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होगा, वो भारत के साथ जो है हम बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो जो है रेड कलर का कोट पहन के जो है भारत का दौरा करते हैं, हमारी तरफ आते हैं तो काला कोट उनको सोग लग जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती वो क्या चाहते हैं हमारे से। हमने अफगानिस्तान की जितनी मदद पूरी दुनिया से बढ़कर पाकिस्तान ने की है, दुनिया के किसी मुल्क ने, अमरीका ने भी उनकी इतनी मदद नहीं की। अमरीका मारने ज़रूर आया लेकिन रास्ता पाकिस्तान ने ही दिया उसको। अमेरिका ने वहाँ पे जो निशाने लगाने थे सारा कुछ लगाना था, इन्फॉर्मेशन जो थी, जो इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन IBS जिसको आप IBS कहते हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान ने उनको दी कि जी यहाँ यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, इनको आप मारें, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप ही मार दें चलें। लेकिन भारत जो है वो वहाँ पे बाकायदा इस तरह का खेल खेल रहा है जिस तरह कुलभूषण यादव के साथ हुआ, इसी तरह वो बहुत सारे कुलभूषण यादव वहाँ पे भेजेगा और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में फंस जाएगा। कुलभूषण यादव वैसे ईरान से आया था, अफगानिस्तान से नहीं आया था। मैं कहा अफगानिस्तान वालों ने पकड़ के हमारे हवाले किया था, जिसको आज तक हमने माना नहीं है, ना उनका शुक्रिया अदा किया है, हम अपना कारनामा समझते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान वालों ने हमें दिया था पकड़ के, क्योंकि वो ईरान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान एंटर होता था। अपना नईम साहब कैसे देख रहे हैं यार, अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, आपका भी कारोबार हो, वैसे काबुल में सारी सप्लाईज तो आपके शालबी मार्केट से जाती हैं। जी बिल्कुल रिजवान साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं ये बात करने भी वाला था कि हमारी जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है, मतलब की बात देखें कि नमक खेवड़ा का है लेकिन अफगानिस्तान में वो लाहौरी नमक के तौर पे जाता है। बिल्कुल इंडिया में जाता है, इंडिया से रीपैक होके वो मेड इन इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में वो डॉलर की कीमत में सप्लाई होता है और यहाँ पे रुपीस में वो बाय करते हैं और डॉलर्स में वो आगे सेल करते हैं। ये चीज़ें बहुत सी देखने वाली हैं। तो बिल्कुल ये बात पहले हो भी चुकी है कि जब उनके लोग इधर आ सकते हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं जा सकते। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो जिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी उनको यहाँ पे मिलती है पाकिस्तान में, इस तरह हमारे ट्रेडर को वहाँ पे वो सिक्योरिटी और वो अश्योरेंस और वो गारंटी नहीं मिल पाती। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। इंडिया की पॉलिसी अफगानिस्तान में क्लियर है सबके लिए, और ये पॉलिसी इंडिया ने रिसेंटली नहीं बनाई, इंडिया की ये पॉलिसी सभी देशों के लिए ही है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं। जिस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया किसी भी कंट्री के इंटरनल मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता। अफगानिस्तान में इंडिया ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है और अफगानिस्तान को जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है इंडिया ने पैसों और लोगों के ज़रिए उनकी वो मदद भी की है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए ही फॉरेन पॉलिसी चलाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह मिलिट्री पावर के ज़रिए। और ये पाकिस्तान जो बार बार बोलता है कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी सरकार चला रहा है,
ये एकदम झूठ बात है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को पैसे दे रहा है तो इसका मतलब कि अफगानिस्तान की सरकार इंडिया के इशारों पे चलती है। पहली बात, इंडिया अफगानिस्तान को डायरेक्टली पैसा नहीं देता, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करता है। और दूसरी बात, इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट इसलिए करता है क्योंकि अफगानिस्तान को इसकी ज़रूरत है और इसे इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। पाकिस्तान मीडिया तब कुछ नहीं कहता जब चाइना यही चीज़ अफ्रीका में करता है। इंडिया के मामले में पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान जो बोल रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान यही चीज़ करता है इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान पीओके को इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ हमला करने के लिए। तो उन्हें लगता है कि हम अगर ये करते हैं तो इंडिया ज़रूर अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेगा ऐसे ही। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। आखिर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान पहले कहता था कि इंडिया ने अफगानिस्तान में 30 एम्बेसी खोल के रखी है, और जब ये बात झूठी साबित हो गई तो माफ़ी मांगना तो छोड़ दीजिए, दूसरी कहानी बनाने लगे। और पाकिस्तान जो ये कहता है कि उन्होंने अफगानिस्तान की मदद की है, ये भी बात झूठ है। पाकिस्तान के एक्स मिलिट्री लोगों ने एडमिट किया है कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहती है ताकि वो अफगानिस्तान को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो पाकिस्तान जो बोलता है कि वो इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान चाहते हैं, ये भी झूठा है। और अगर मौका मिले तो वो अफगानिस्तान को भी अपना हिस्सा बना लेंगे, ये चीज़ अफगानिस्तान सरकार जानती है और इसीलिए वो इंडिया के साथ जाते हैं ताकि पाकिस्तान ऐसे हरकत ना कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।